गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो गाइज अभी मैं रेडी हो गया हूँ नहाकर और निकल रहा हूँ कॉलेज की तरफ। गाइज जो बाकी रोड है और मैं जा रहा हूँ जीएलए कॉलेज। कुछ ऐसा आ रहा था क्लास के अंदर का। गाइज कॉलेज का काम करते करते लगभग एक बज गया। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि इधर कुछ होने वाला है कॉलेज के पीछे जस्ट, तो आ गया हूँ मैं देखने। यहाँ पे देखिए किस तरह से दिख रहा है। सुनने में तो आया कि यहाँ पर आना है गवर्नर को। कॉलेज में सब लोग बात कर रहे थे। और गाइज इसमें तीन गेट बनाया गया है तीन साइड से, एक मिडिल में भी है और दो अलग अलग है। हो सकता है जो दो अलग अलग है वो है बाउंड्री दिया हुआ है, तो बाउंड्री के इस पार और उस पार से लोग देखेंगे। पूरा फील्ड को कैप्चर कर लिया है इन लोगों ने। और गाइज मैं दिखा रहा हूँ यहाँ देखिए कैसे एलईडी लगा हुआ है, दोनों साइड लगा हुआ है, उधर भी इधर भी, क्योंकि लोग दूर से देख नहीं पाएंगे ना, दिखेगा नहीं, वो एलईडी में ही देख लेंगे। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन है गाइज, सब पाइप पिलर सब लोहा का ही है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until. इधर सब वीआईपी गेस्ट के लिए है, ये सब चेयर लगा हुआ, और वहाँ पे भी रिहर्सल चल रहा है कल के लिए द्वितीय दीक्षांत समारोह। जो मुख्य अतिथि है देखिए श्री रमेश बैस। और पीछे देखिए कितना छोटे छोटे एलईडी है, ये सब छोटे छोटे एलईडी को जोड़कर कितना बड़ा एलईडी बाहर से दिखेगा उस साइड से। गाइस सामने से देखिए कैसा दिख रहा है। अभी सामने से सीधे चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है वहां से। और उधर एनसीसी के कैंडिडेट हैं अभी। तो गाइस अंदर चल के आपको तो पूरा दिखा दिया। और बाहर ये देखिए पानी का टैंक है, और बाहर से कुछ ऐसा है, एक गेट बना हुआ है और इस तरह से दिख रहा है बाहर से। तो गाइस जब तो चलते हैं घर और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।